नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ऑल इन वन में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सितंबर माह में कौन से सब्जी या फसल लगाएं जो मुनाफा लाखों में हो। दोस्तों, हमारी पहली सब्जी है मेथी। हम सितंबर माह में मेथी लगा सकते हैं, लेकिन मेथी लगाने का तरीका, आपको खेत में क्यारी बना के मेथी लगानी पड़ेगी। मेथी सितंबर माह में सबसे ज़्यादा बिकती है और उसका रेट भी सबसे ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों, हमारी दूसरी खेती है वो है खीरा। हम खीरा भी सितंबर माह में लगा सकते हैं। खीरे की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है सितंबर माह में और उसमें लागत भी कम आती है और जो खीरा बिकता है वो बढ़िया रेटों बिकता है, कम से कम 20 रुपये किलो और 25 से भी ऊपर जाता है खीरा। अगली सब्जी का नाम है हरी प्याज। हम सितंबर माह में हरी प्याज भी लगा सकते हैं। सितंबर माह में लगाने के बाद में अक्टूबर में उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, उसका रेट भी सबसे बढ़िया मिलता है। हमारी अगली सब्जी है गाजर। हम सितंबर माह में गाजर भी लगा सकते हैं। गाजर का भी रेट भी सबसे बेस्ट मिलता है हमें। उसके बाद आता है हमारा आलू। ज़्यादातर लोग, हमारी अगली सब्जी है आलू। सितंबर माह में ज़्यादातर लोग आलू लगाते हैं। आलू की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए लोग सबसे ज़्यादा आलू लगाते हैं। आलू लगाने का फ़ायदा ये है कि इसमें लागत सबसे कम आती है और उसका रेट भी सबसे बढ़िया मिलता है, इसलिए आप लोग सितंबर माह में आलू ज़रूर लगाएं। हमारी नेक्स्ट सब्जी है मटर। मटर का रेट बढ़िया रहता है, आप मटर ज़रूर लगाएं सितंबर माह में। हमारी अगली सब्जी है पत्ता गोभी। अगर आपकी पौध सितंबर माह में तैयार हो गई हो या अगस्त महीने में तैयार हो गई हो तो आप लोग पत्ता गोभी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी लगाने का रीज़न ये है कि हमारी अक्टूबर नवंबर के आसपास में पत्ता गोभी हार्वेस्टिंग के लिए स्टार्ट हो जाती है और पत्ता गोभी के रेट सबसे बढ़िया मिलते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग पत्ता गोभी लगाने का रेफर करते हैं। और पत्ता गोभी जब लगाएं जब आपकी पौध तैयार हो। हमारी अगली सब्जी है वो है लहसुन। सितंबर माह में हम लहसुन लगा सकते हैं। सितंबर माह में ज़्यादातर लोग लहसुन ही लगाते हैं और लहसुन का सबसे बढ़िया रेट मिलता है। अगस्त में लगाने के बाद में, अगस्त में लगाएं या सितंबर में लगाएं, उसकी हार्वेस्टिंग कम से कम जनवरी के आसपास में हार्वेस्टिंग हो जाती है। हमारी अगली फसल है पालक। पालक लोग सबसे ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारी सरसों आ जाती है, साग चलता है घरों में, तो आप ज़रूर पालक लगाएं। और पालक लगाने का तरीका है सबसे बेस्ट कि आप क्यारियों में लगाएं। अगर क्यारियों में लगाएंगे आप तो उसमें पानी भरने का ज़्यादा खतरा रहेगा और पालक नहीं मरेगा। अगर आप डायरेक्ट लगा देते हैं तो इसमें पानी भरने का खतरा रहेगा, अगर पानी भर जाएगा तो पालक मर जाएगा। इससे बढ़िया आप पालक को क्यारियों में लगाएं जिससे कि पैदावार ज़्यादा हो और नुकसान भी नहीं हो। हमारी अगली फसल है धनिया। दोस्तों, सितंबर में धनिया ज़रूर लगाएं। धनिया का सबसे बढ़िया रेट चलता है, कम से कम 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो धनिया जाता है सितंबर माह में। अगर आप अगस्त में नहीं लगाना चाहते, सितंबर में आप इसे ज़रूर लगाएं। 20-25 दिन बाद वो हार्वेस्टिंग पे आ जाता है। आप लोग धनिया को कम से कम क्यारियों में लगाएं। जितना ज़्यादा क्यारियों में लगाओगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। छोटी छोटी क्यारी बनाएं और क्यारियों के ऊपर बीज लगाएं जिससे कि पानी में वो बेकार नहीं हो। अगर तुम डायरेक्ट लगा दोगे तो कोई बेकार हो जाएगा पानी भरने, इसलिए आप डायरेक्ट ऊपर क्यारी बनाएं और क्यारियों के ऊपर बीज का बीज लगाएं। दोस्तों, अगली हमारी फसल है मूली। सितंबर माह में मूली का रेट सबसे बढ़िया चलता है। मूली इसलिए क्योंकि उस टाइम पर शादियों का सीज़न आ जाता है, साए आ जाते हैं, सलाद में सबसे ज़्यादा चीता है, तो इसलिए आप मूली को ज़रूर लगाएं। अगर इसका रेट गिरे से गिरा भी, अगर 10 रुपये किलो रहा तो मूली में वजन सबसे ज़्यादा रहता है और शादियों में सबसे ज़्यादा सलाद में मूली चलती है, इसलिए मूली का भी रेट सबसे बढ़िया रहता है। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप मूली लगाइए, मूली सबसे बढ़िया बेस्ट है।
मूली आप लगाएं और मुनाफा ही मुनाफा पाएं। हमारी अगली फसल है बैंगन। दोस्तों, बैंगन तो सितंबर माह में या अगस्त माह में लगते हैं, ज़्यादातर तो लोग अगस्त में लगा देते हैं या उससे पहले लगाते हैं। अगर आपको टाइम नहीं मिला हो या आपकी फसल या खेत अभी खाली हुआ हो तो आप कम से कम 10 बीघे या 5 बीघे में बैंगन ज़रूर लगाएं। बैंगन का रेट सबसे बढ़िया 10 रुपये किलो, 15 रुपये का, अगर ज़्यादा से ज़्यादा का रेट पड़ता है तो 5 या 6 रुपये किलो हो जाता है। अगर उसमें भी कम से कम कुंटलों के हिसाब से उतरता है, और बैंगन एक बार लगाने पे कम से कम 1 साल तक चलता है। दोस्तों, आप मेरी तरफ से आप बैंगन ज़रूर लगाएं। हमने 5 बीघे में बैंगन लगा रखे हैं और दोस्तों डेली कुंटलों बैंगन उतरता है। आप ज़रूर माने, बैंगन ज़रूर लगाएं, आपको अगर लाखों में कमाना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को एक बार और सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।